देखिए आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हुआ, माने एक बच्चा 37+38 को 65 जोड़ता है, जब उसे युक्ति पूछी जाती है तो कहता है कि जैसे 38+40 के नजदीक नजदीक है 37+40 को 65 प्राप्त करने के लिए दो घटा दिया, 38+40 को जोड़ दिया और फिर दो घटा दिया, इस प्रकार वो क्या करता है 65 प्राप्त किया। ये 27+40 को 29 जगह 40 को जोड़ दिया और उस प्रकार वो दो घटा देता है, दो बढ़ाता है बाद में दो घटा देता है। इस विधि को हम प्रतिकारी विधि के नाम से जानते हैं, ये एक अच्छी शिक्षण विधियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसे अपने पास नोट डाउन करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट करके रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लगभग में जो आंकड़े हम लोग निकालते हैं एग्जैक्ट आंकड़े तक पहुँचने के लिए, उसे हम प्रतिकारी विधि के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे है कि मानसिक गणित, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक को अवसर उपलब्ध कराती है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, मानसिक गणित संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियां क्योंकि निम्नलिखित में से किसी एक को अवसर उपलब्ध कराती है। तो आइए ध्यान से पहले हम लोग विकल्प को पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते हैं। मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति संख्या के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करता है। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करता है। कलन विधि एल्गोरिथम सीखने में निपुणता प्राप्त करता है, कम समय में अधिक समस्याओं का अभ्यास करता है। परिकलन में परिशुद्धता तथा साथ उसकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन सुधार करने में मदद करता है। अब यहाँ पे चार विकल्प दिए गए, अब आपको ये बताना है कि कौन से विकल्प को यहाँ पर सही किया जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मानसिक गणित संबंधित गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक को अवसर उपलब्ध कराती है। किससे, आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है परिकलन में परिशुद्धता के साथ उसकी गति बढ़ाने में और परीक्षाओं में उसके निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलता है। याद रखिएगा कि एनसीईआरटी 2005 कहता है, साफ साफ ही कहता है कि बच्चों में परिशुद्धता की हमें नहीं जाती, वो गलत लगाए लेकिन लगाए उनकी गति बढ़ाने में परीक्षाओं को, तो भैया परीक्षाओं में उसको गति बढ़ाने के लिए निष्पादन करने के लिए हमें नहीं पढ़ाना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर चौथा गलत। आगे बढ़ते हैं, कलन विधि एल्गोरिथम सीखने में निपुणता प्राप्त करना, कम समय में ज़्यादा, देखिए मैंने आपको पहले बताया है बच्चों को गणित सिखाना है, उन्हें निपुण नहीं बताना है, उन्हें रटवाना नहीं है, इन बातों का हमें और आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, जैसे पेपर पेंसिल इनका उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, तो निपुणता नहीं प्राप्त करना, पता है आप बच्चों को सिखाने जा रहे हैं तो जहां जहां निपुणता आएगा वो विकल्प हमेशा गलत रहेगा, याद रखें। अब आते हैं पहले प्रश्न की तरफ, यहां पहले विकल्प की तरफ दिया है कि मानसिक संगणना, जो गणना करना है वो मानसिक रूप से गणना करना, संबंधित प्रक्रियाओं को विकास करें क्योंकि शिक्षार्थी जो तेज गति संख्याओं के बीच संबंध को पहचान करने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि संबंधों को पहचानने की अगर तक कोशिश करता है, जैसे मानसिक संगणना का विकास करना, जैसे मैं पूछ दिया जाए कि आपके पास 5 आम हैं और 3 आम मैंने मोहन को दे दिए तो कितने आम बचे, तो आपने कुछ देखा नहीं, आपने जवाब दिया। इस तरह जब लगातार हम इस बात को लेकर आगे बढ़ते, जैसे यहाँ पे कह दिया जाए कि अगर 9 × 10 करेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर 9 × 10 = 90, लेकिन अभी ऐसे पहाड़ा पूछा जाए तो 9 × 10 = 90, अगर मैं पूछ दिया जाए कि सर 5 × 100 क्या होगा, तो बच्चा क्या करेगा इसको मल्टीपल गुणा करेगा फिर बताएगा, लेकिन आपको पता है 500 × 100 = 500, तो क्या करेंगे 500। तो जो मानसिक संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका विकास अगर अभ्यर्थियों के बीच किया जाए, शिक्षार्थियों के बीच किया जाए, तो संख्याओं को बीच संबंधों को पहचानने की कोशिश करते हैं, उनकी गति भी क्या होती है तीव्र हो जाती है, इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा, ए या फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, कोई डाउट किसी को हो तो पूछ ले, कोई डाउट नहीं है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राथमिक कक्षा में एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता, यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चा निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या है। एक बात और, अगर आपने मेरी क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ रहा होगा आप तो इसका प्रश्न का जवाब आप तुरंत दे लेंगे, चलिए आप अपना जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे
आप लोगों को देख के शायद आश्चर्य भी होगा, एकदम आसान मैंने बताया है। प्राथमिक कक्षा का बच्चा जब संख्या, मैंने पढ़ाया प्रश्न याद होगा शायद आपको, संख्या संक्रिया चिन्हों सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता, तब वो इंगित करता है कि वो सुन नहीं पाता। गलत। वो प्रक्रिया स्मृति, स्मृति माने याद करने, गलत। भाषा प्रकरण से भाषा नहीं आता, इसका मतलब उसे दृश्य प्रकरण में दिक्कत हो रही, मैंने बेचारा देख ही नहीं पा रहा है ना, उसको देखने में समस्या आ रही है, क्या हो रहा है, सही देख नहीं पाता है। मैंने इसको पढ़ाया, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर स्टार्टिंग से आपने क्लास ली होगी, तो उम्मीद करता हूँ ये तथ्य आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, वो दृश्य प्रक्रम से प्रभावित है। ठीक है, किस बच्चे की समस्या, उसे दृश्य प्रक्रम की समस्या है, बेचारा देख कर वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद करते हैं यहाँ से कोई भी चीज़ डिफाइन करने योग्य नहीं है जो आपको ना पता। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, तीन संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। अब आप मैं इसको अच्छे से व्याख्या कर रहा हूँ कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तीन विषम संख्याओं गुणनफल एक सम संख्या, और तीन विषम संख्या ले लेते हैं हम लोग विथ एग्जाम्पल के लिए, जैसे तीन गुणे पांच गुणे सात, तीन पचे पंद्रह सत्ते एक सौ पांच, एक सौ पांच क्या होगी, एक विषम संख्या। ये विकल्प गलत, विकल्प मैंने गलत कर दिया। अब आगे, एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है, मैंने जैसे यहाँ पे पांच ले लिया और यहाँ पे दो ले लिया, इसका अंतर क्या हुआ, तीन। एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया आठ में से मान लीजिए तीन घटा दिया, क्या आएगा, पाँच। तो एक सम संख्या और विषम संख्या अंतर एक सम संख्या हो सकती, जी नहीं, यहाँ पे क्या रही है, विषम संख्या आ रही है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका, गलत। फिर हम आगे देखेंगे कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या हो सकती, कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं। दो विषम संख्या जैसे तीन प्लस पाँच, एक सम संख्या मान लीजिए दो, तो पाँच तीन आठ दो दस, क्या होगा, एक सम संख्या होगी, क्या होगी, एक सम संख्या। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे सात प्लस नौ और चार, नौ सात सोलह चार बीस, यहाँ पे क्या हुआ, सम संख्या। माने दो विषम संख्या और एक सम संख्या को जो हम जोड़ते हैं हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दोनों कंडीशन में सम संख्या प्राप्त हो रहा है। आप कोई भी एग्जाम्पल लग के देख सकते हैं, जैसे ठीक है, इसलिए इसका कथन क्या होगा, तीसरा अभी तक सही दिख रहा है। तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या, तीन विषम संख्या मैंने जैसे ग्यारह तेरह और सात, तीनों है ना, तेरह सात बीस और ग्यारह इकतीस, क्या हुआ, एक विषम संख्या, यहाँ पे क्या कह रहा है, सम संख्या। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प हुआ, सही कथन, वो क्या हुआ, वो होगा तीसरा, इसका राइट आंसर। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जरा आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको भी समझ में आ गया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आया, कैसे हुआ। क्योंकि देखिए, आपको चारों विकल्प को जाँच करनी पड़ेगी, बिना चारों विकल्प के जाँच की आप उत्तर तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, इसलिए मैंने आपको विथ एग्जाम्पल आपको प्रूफ कर दिया कि इस प्रश्न का उपयुक्त जो विकल्प होगा वो केवल सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, किसमें, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, परिकलन कौशलों का संवर्धन करने में। चलिए आइए यहाँ पे मिलकर जाए, मैं इसे अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु का खेल है, प्रतिरूप इत्यादि का, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने इस टॉपिक को कल मैंने पढ़ाया था, अगर कल अगर आपने ध्यान से मेरी क्लास को पढ़ी होती तो शायद आप आज वाला टॉपिक अच्छे तरीके से कर पाते। ठीक है, आराम से समझिएगा आप तथ्यों को, और उम्मीद करता हूँ कि तथ्य आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन बना लिया, अब उसके बाद
जैसे ध्यान समझिएगा, मैं पूरा स्पष्ट कर रहा हूँ डायग्राम से, क्योंकि ताकि आपको लग जाए कि नहीं सर ने तो पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पे हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, उसके बाद क्रम से बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे बिंदु दे दिया गया, जैसे एक बिंदी, दो बिंदी, ठीक, यहाँ पे दे दिया जाए एक, यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे दो बिंदु। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया, कुछ लोग आएंगे चले जाएंगे, यह बना दिया। ये क्या है, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु का खेल है। अब इस बिंदु खेल को हम स्पष्ट कैसे करेंगे, ये देखिए, ये 10,000 है, ये हो गया दो, फिर यह 100 में है, ये हो गया एक, ये हो गया कितना 4, ये हो गया दो, ये हो गया 2142। मैंने क्या लिखा, 2142 लिखा, मैंने क्या लिखा, 2142 क्या लिखा, इक्की मैंने ये दो जो है ये कितने 10,000 है, तो गुड़े 10,000, ठीक है 1000 है, 1000 कर दिए क्या हो जाएगा 2000, फिर ये कितना है एक एक थे, तो यहाँ पे 1 × 100 हो जाएगा 100, इनको इनको ऐड करिए, फिर हो गया 4 × 10 40, फिर 2 × 2 = 2, इन सबको ऐड कर दीजिए। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2142। अब जरा कमेंट करके बताइए अब इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, जो लोग लाइव में फटाफट कमेंट करें, क्योंकि कौन सी समझ बताया, ये स्थानीय मान, तो ये प्राथमिक स्तर जो 10 ग्राम बिंदु का खेल होता है प्रतिरूप, इसका प्रयोग हम स्थानीय मान के समझ को विकसित करने के लिए करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहां से प्रश्न अगर कभी भविष्य में आपका आएगा तो यहां से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कि अब आपको पता होगा इस विकल्प का प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 2 इसका राइट आंसर, 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, वरना आप कहेंगे सर एक ही प्रश्न में इतना समय लगा देते हैं, लेकिन ये जरूरी था कि आपको जीवन में अगर ऐसा प्रश्न आएगा 10 ग्राम क्या होता है, बिंदु का खेल क्या होता है, ऐसा प्रतिरूप आएगा तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसलिए मुझे बनाना था। इतने में अगर आप 5 क्वेश्चन लगा लेते कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक पढ़ा आपने, सॉलिड पढ़ा, ये ज़्यादा अच्छा है। आगे आते हैं, अगला है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता, जो गणित की पाठ्यचर्या है जो मैं अपेक्षा करता हूँ उससे वो मेल नहीं खाता। तो ये आपको चारों विकल्प एक बार आराम से पढ़ने हैं, उसके बाद तब आप बताइएगा कि आप उत्तर देने के लिए तैयार हो गए हैं। सभी लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब जल्दी से बताइए। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि भिन्न को पूर्ण उसके अंश के रूप में प्रदर्शित करना था, सरल भिन्न प्रदर्शित करना ये करना है, लेकिन कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, ये गलत है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है बच्चों को रटना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना ये कदाचित नहीं करना है। दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच समायोजन करना, जी हाँ, दैनिक जीवन की तार्किक जो कार्यप्रणाली होती है उसमें गणितीय सोच के बीच समायोजन करना, माने सोच का गणितीकरण करना। फिर कह रहा है कि मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना, जी हाँ इसका भी हमें विकास करना है, क्यों, क्योंकि मानक परिकलन प्रणाली में जो संख्या संबंधित परिकल्पना होती है उसे भाषा प्रतीक चिन्ह का विकास होता है। जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास 5 आम है, 3 आप हमें और दे दीजिए, मेरे पास कितने हो गए, तो कितने हो गए 5 + 3 = 8 हो गए, तो ये क्या हो गया, मानक परिकलन प्रणाली यूज किया, मैंने जोर शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद फिर इसी क्या करेंगे, हम भाषा गणित के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर मुझे संकेत के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इस प्रकार बच्चा कब जोड़ सीख जाएगा उसे भी पता नहीं चलेगा और आपको भी पता नहीं चलेगा। इस प्रकार इस दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह 2 राइट, माने जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, गणित शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। 4 विकल्प आपके सामने देख रहा है और चारों विकल्प को देखने के बाद अब आपको यह स्पष्ट करना है आपको कौन से विकल्प में ताला लगाना है, कौन से विकल्प को लॉक करना है। ठीक,
ये ध्यान से इस प्रश्न को, इस बात को ध्यान से देखते हैं। देखिए प्रश्न आप लोगों को बड़ा बोरिंग लग रहा है, दुर्गेश सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि यही असली पढ़ाई होती है। जब तक हम तथ्यों को व्याख्या न करें तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गणितीय प्रमेय, जो गणितीय प्रमेय है उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप में सृजन करना। तो देखिए गणितीय प्रमेय का उनके प्रमाण स्वतंत्र रूप में सृजन करना, ये गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मैंने जैसा मैं पढ़ाऊँ स्वतंत्र रूप से वैसे आप उसका सृजन करें, ऐसा पॉसिबल नहीं। मैंने मैं जितना पढ़ाऊँ उतना ऑब्जर्व कर लूँ, उसे स्वतंत्र रूप से मुझे बता सके, मुझे कह सके, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर आगे गणित विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ये हो सकता है, ये कुछ हद तक हो सकता है। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये भी हो सकता है। बच्चों की गणितीय प्रतिभा का विकास करना, ये आपका सबसे सही होगा। ये क्या होगा, ये होगा बच्चों की गणितीय प्रतिभा का विकास करना। क्या करना, बच्चों की जो गणितीय प्रतिभा का विकास करना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चों की गणितीय प्रतिभा का विकास हो जाएगा तो वे बच्चे विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता होने लगेगी, उन्हें उपयोगी क्षमताओं का विकास भी होने लगेगा। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, चौथा या डी राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न, यहां इसका उत्तर आपको पता हो गया, एक बार आप लोग अपना देख लीजिएगा, यहां से नेटवर्क इश्यू है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का प्रयोग करती, कौन सा खोजपरक उपागम का प्रयोग करती हैं, विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमता का उपयोग करती हैं और उनको चर्चा में शामिल करती हैं, वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती हैं। गणित शिक्षा के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमता के विकास के लिए, निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता का विकसित करने के लिए, गणित शिक्षण में संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। बहुत ही आसान सवाल है, मैं चाहता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग ऐसे प्रश्न का सही और सटीक जवाब देंगे। तो तैयार हैं आप लोग, दीजिए ध्यान से देखिएगा। एक शिक्षिका गणित के संप्रत्यय को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का व्यवहार करती है, तो उसके लिए उनका उद्देश्य क्या है कि निश्चित प्रकार की सोच व तर्कता विकसित करने के लिए। जब किसी के अंदर एक सोच विकसित हो जाएगी, तर्क करने के गुण विकसित हो जाएंगे, तो उनके अंदर खोजपरक उपागम का प्रयोग करती। खोजपरक उपागम समझ रहे हैं, तर्क करना। जैसे मैं ये कह दिया कि ये बताइए कि राम और श्याम में कौन बड़ा है, तो बच्चे जो बड़ा उसको बताएंगे, कहेंगे कैसे, तो लोग क्या करेंगे, वे उस पर प्रमाण देंगे, उस पर तर्क करेंगे, वाई, क्यों, वैन, हाउ, इन सब को लेकर वापस में तर्क करेंगे। और जब तर्क करेंगे तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, इसका तीसरा राइट आंसर होगा, तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो माने जितना इन लोगों ने गणित को उद्देश्य की प्राप्ति करना, देखिए यहाँ पे जो खोजपरक उपागम है उसके लिए न उच्च क्षमता न संकीर्ण उद्देश्य किसी की प्राप्ति नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर खोजपरक उपागम की बात किया है, इसकी खोजपरक उपागम की बात किया गया है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिणाम के बारे में पूछती है, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी जो व्याख्या करने में वो सक्षम नहीं थी, मतलब वो हल तो कर लेती थी लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाती थी। यह शैलजा के निम्न में से किस चीज को प्रदर्शित करता है, मेरी बात को गौर से समझिएगा आप लोग, कि ये पेडोलॉजी का वो बात, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि आपको बहुत सारे टीचर को पढ़े होंगे, वो आते हैं प्रश्न का विकल्प बताएंगे, हाँ ये विकल्प सही है, ठीक है, ये चौथा में से ये सही है, हम आगे बढ़ते हैं, तो वो चारों विकल्प को डिफाइन नहीं करते, वो चारों विकल्प को बारे में नहीं बताते, उस प्रश्न की भाषा को कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रश्न टीचरों से आप भी बचिएगा, क्योंकि वो आप भी कर सकते हैं, रटकर को भी पढ़ा सकता है, लेकिन महानता तब होती है जब चीज़ों को तथ्यों को तोड़ कर पढ़ाए, जब आपके पास जानकारी तभी तो तोड़ कर पढ़ाएंगे। ऐसे अध्यापकों से आप भी बचिएगा, और वही दिक्कत शैलजा को पास है। शैलजा हल अपने शब्दों में बताने को कहती है, शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, माने अगर उसको प्रश्न दिया जाए वो हल कर लेती थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। तो यहाँ पे चार विकल्प में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए शैलजा क्या करती है, इसमें क्या करती है, उच्च स्तरीय गणितीय प्रवृत्ति है,
और निम्न स्तरीय भाषा प्रवणता है। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको शायद यहाँ स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पे उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता है, उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता है और निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता है, माने जो भाषा है उसकी, वो जो भाषा को डिकोड कर पाती है उसका बड़ा निम्न स्तर है। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसको अपने शब्दों में बताने का भी सही हल कर लेती है, बता नहीं पाती, माने उसकी निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता है। और ये सी और डी माने दोनों सही है, माने दोनों एक जैसे है। अच्छा यहाँ पे क्या है, निम्न स्तरीय दोनों है और यहाँ पे उच्च स्तरीय है, ठीक है। अभी किसी ने कमेंट किया था कि सर दोनों विकल्प एक है, यहाँ पे देख ध्यान से देखिएगा, ये उच्च स्तरीय, उसका एक गुण उच्च स्तरीय है, वो गणितीय प्रवीणता में है उच्च, मतलब सवाल तुरंत लगा लेती है, लेकिन उसे जो व्याख्या कर नहीं पाती, वो उसके भाषा को डिकोड नहीं कर पाती, वो भाषा को डिकोड नहीं कर पाती। जब डिकोड नहीं कर पाएगी इसका मतलब क्या है, वो उसका गलत है। हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो आप चाहे तो इस प्रश्न के स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें, काम आएगा आपके। अगला प्रश्न आपके सामने है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरण खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है, ठीक। तो आप विकल्प कुछ और पढ़ लीजिए, विद्यार्थियों को आनंद मस्ती प्रदान करना, दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना, ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम इसका उत्तर बताना शुरू करें। अब हम प्रश्नों का जवाब देते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रखंड खंड अभ्यास को समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है, मैंने आपको पहले बताया मेरा हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग को चयन की दिक्कत है और आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर के लिए आप लोग लगातार प्रयासरत है, तो आपको अपनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और हम लोग का क्या, हम लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, अभ्यास, एक प्रश्न दिया है अभ्यास और समय। गणित की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास समय दिया गया होता है, हर चैप्टर में आप देखेंगे, विद्यार्थियों को आनंद और मस्ती प्रदान करना, जी नहीं, वो खेल शिक्षण विधि है। दैनिक जीवन में बदलाव करना, ये दैनिक जीवन को कक्षा से जोड़ना, ये होता है बदलाव करना, नहीं। समय का बेहतर सदुपयोग करना, ये भी नहीं है। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, जी हाँ, अभ्यास में जब समय दिया जाएगा उसमें विस्तृत अधिगम अवसर उन्हें मिलता है। क्या मिलता है, विस्तृत अधिगम अवसर मिलता है, ठीक है। ये इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। ये क्लासेस मेरे घर से चलती हैं और घर के पास एक ही मुर्गा है बहुत दिन से, वो दिन में भी चिल्लाता है और रात में भी चिल्लाता है, पूरा दिन चिल्लाता है, वो 8 साल पुराना मुर्गा है, सोचिए 8 साल से भी जिंदा है, 8 साल बुढ़ापा हो गया, हम लोग काफ़ी छोटे थे तब से उसको जानते हैं, ठीक है, तब से वो अकेले है और वो तब से चिल्लाता है और शौक के वजह से रखा गया, काफ़ी बड़ा है, कलरफुल है। तो आप लोग को मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले तथ्य की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं बात से ज़्यादा काम भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ने आए हैं, बात और चैट के लिए नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा कि कक्षा में प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित है। यहाँ पे चार बातें, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित है, अंदर ही है, यह बात आप लोग को जानते रहना होगा, अंतर्निहित है। और अधिगम असंगति, शिक्षण की कमियों में को पहचानना, सामान त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली और विश्लेषणात्मक प्रतिभा की परीक्षा करना, ग्रेड और रैंक स्थिति करना, तो ये बहुत आसान प्रश्न है और जिनको ये लगता है कि सीटेट में चारों ऑप्शन सही होते हैं, आज उनका भ्रम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको जब बताता हूँ तो इस बात को बताता हूँ कौन क्यों गलत होगा, ठीक है। चलिए तैयार है आप, ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित है। तो जब अंतर्निहित है तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से, विद्यार्थी के ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थित करना, याद रखिएगा एनसीएफ 2005 ये कहता है, चाहे प्राथमिक हो चाहे अपर प्राथमिक हो, उनका रैंक और श्रेणी को कभी भी उनके मूल्यांकन से हमें जोड़ कर नहीं रखना है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका गलत। फिर कह रहा है क्रिया प्रणाली ज्ञान और विशेषणात्मक प्रतिभा का परीक्षा, ये भी गलत होगा। ये क्या होगा, ये प्रतिभा का परीक्षा, ये दोनों क्या होगा गलत, ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो गलत हो सकती है। समान त्रुटियों को पहचानना, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचाना, जी हाँ, देखिए प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित होते हैं, जैसे
जब बच्चा कुछ करता है, कुछ नया करता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी कमियों को पहचान लेते हैं और उसे दूर करने का हमें प्रयास करना होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वह अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, उसके अधिगम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या आ रही है और शिक्षण में उसकी क्या कमियां हैं, ठीक है, उस बारे में हमें जानना। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्यों? तो सभी लोग फटाफट बताएं, जवाब दें। वे गणित में कम सफल अभ्यर्थी तथा मंद गति सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। वे विद्यार्थियों में एक आप लोग आप फटाफट विकल्प पढ़ते रहें जो लोग लाइव देख रहे हैं, और टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास और एनसीईआरटी नोट्स के लिए आप 6306344367 पर ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप करके क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं, अन्य सभी जानकारी। और टेलीग्राम पे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, दुर्गेश सर सर्च करेंगे, इलनी भी दुर्गेश से, ठीक है। आइए अब हम लोग इस प्रश्न का जवाब लेते हैं, इसका जवाब क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगा। वे गणित में कम सफल विद्यार्थी तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। देखिए, मंद गति में रुचि उत्पन्न ये हमें नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें समय से कक्षा पढ़ना होता है, और समय से कक्षा का मतलब ही होता है हमें सभी विद्यार्थियों को एक साथ बैठा कर पढ़ाना। वे गणित में कम सफल विद्यार्थी तथा मंद गति में सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, ये गलत है। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा में एक रूपता तथा दैनिकचर्या के कारण होने वाली उब से बाहर लगते हैं। देखिए, जामती पहेलियां जो होती हैं ये दैनिक उबन से बाहर लाने के लिए नहीं होती। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, मैंने बताया ना, विशिष्ट बालक के लिए कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि हमारा समाज शिक्षा ये कहता है सभी को हमें बराबर रूप से काम करना है। फिर कह रहा है, वे प्रत्येक शिक्षार्थी, यहाँ देखिए प्रत्येक माने समावेशी शिक्षा की बात कर दिया, स्थानीय को विशेषणात्मक योग्यता संवर्धन में सहायक होगा। यही हमें और आपको बताना था, यहाँ पे समावेशी कक्षा की बात कही गई है, और समावेशी कक्षा के आधार पर इस प्रश्न का विकल्प चौथा सही होगा। कौन सी कक्षा? समावेशी कक्षा की बात कही गई है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए, तब तक आपके मन में कोई डाउट कोई प्रश्न हो तब बेहतर काम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली क्लास में आप लोग प्रेजेंट रहा करिए, मुझे कहना ना पड़े बार बार। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत तेज गति से लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, उन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन आपको करना है। उम्मीद करता हूँ इसका चयन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है आपने विकल्प को भी आसानी से पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया है ना, चलिए कमेंट करके जवाब दीजिए। चलिए इस प्रश्न का हम व्याख्या करते हैं आपको। प्रश्न में कह रहा है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत ही तेज गति से लोकप्रिय हो रहा है, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है, ठीक है। जैसे आपने कक्षा 5 की अगर आपने गणित एनसीईआरटी पढ़ी होगी, गणित का जादू, तो आपको एक प्रश्न मिला होगा कि एक मैं आपको बता रहा हूँ वैदिक गणित से बता रहा हूँ मैं प्रश्न को कैसे बता रहा हूँ वैदिक गणित से कैसे बता रहा हूँ मैं वैदिक गणित से देखिए, एक बाप अपने कुल संपत्ति का 1/3 हिस्सा, अगर लिखना चाहे लिख लीजिएगा गणित, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। मैं आप एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। एक पिता अपनी कुल संपत्ति का 1/3 हिस्सा अपने बड़े पुत्र को देता है, तथा उस संपत्ति का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा या शेष का 1/3 हिस्सा वो छोटे पुत्र को देता है। शेष 1/3 बचा हुआ हिस्सा वो अपने पत्नी को देता है, जिसका मूल्य 20,000 रुपया है। तो बताइए कि उस व्यक्ति के पास कुल संपत्ति कितनी थी, उसके पास कुल संपत्ति कितनी थी, ठीक। जैसे कह दिया जाए, एक पिता अपने
दो पुत्र और एक पत्नी को, तीनों को बराबर हिस्से में एक संपत्ति बांटता है, और उसने 1/3 हिस्सा अपने बड़े पुत्र को, 1/3 हिस्सा अपने छोटे पुत्र को, तथा 1/3 हिस्सा अपनी पत्नी को जो 20,000 रुपये धनराशि के बराबर को देता है। इस प्रकार उसकी संपत्ति क्या थी? इस प्रश्न को जब हल करते आप तो ये एक पेज से ज्यादा में लगता, लेकिन वैदिक गणित क्या कहता है कि कुछ नहीं करना, उसकी संपत्ति एक थी, उसने क्या किया इसे 3 हिस्सों में बना दिया, और एक हिस्सा अगर 20,000 का है तो ये भी हिस्सा 20,000 का, माने 20,000 × 3 करेंगे तो उसका कुल संपत्ति क्या हो जाएगा 60,000। बताइए इस प्रश्न को हल करने में आपको कितना सेकंड का समय लगा, कितना सेकंड का समय लगा? आपने देखा इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को हल करने में चंद सेकंड का आपका समय लगा, और इस चंद सेकंड में आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया। इस बात से स्पष्ट होता है, इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि ये वैदिक गणित जो है अब चारों विकल्प की तरफ, वैसे यक्ष मानते फिर लगाते, लेकिन आपने देखा कितनी आसानी से आपने लगाया, अगर 1/3 हिस्सा 20,000 है तो ये 40,000 हुआ, ये 60,000 हुआ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर, माने 3 सेकंड में आपने सवाल लगा लिया। अब इसी सवाल को हल करने के लिए यक्ष मानते एक पेज में लगता नहीं एक पेज में। अब आइए इसके विकल्प तरफ, विद्यार्थियों में गणित की परिकलन प्रक्रिया की समझ के लिए, गणित में समस्या समाधान कौशल के लिए, विद्यार्थियों में गणित में एकाग्रता के लिए, गणित में गणना कौशल तथा गति के लिए। बताइए इसमें क्या चीज आपको मिला, गणना कौशल और गति मिला, कौन सा विकल्प अब आपके हिसाब से सही है? विद एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक सभी लोग जरा जवाब दे, आप तो कमेंट कर सकते हैं, जवाब देना चाहिए आपको। जी हाँ, अब आपने कहा कि इसका उत्तर क्या होगा, जो वैदिक गणित आजकल प्राथमिक कक्षा में प्रयोग किया जा रहा है वो गणित में गणना कौशल तथा गति के विकास के लिए। मैं इसीलिए एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, अगर मैं एग्जाम्पल देकर न समझाता तो शायद आपको तथ्य न समझ में आता, इसीलिए मैंने विथ एग्जाम्पल दिया, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ चुका होगा, अगर इससे सरल कोई पढ़ा दे चैनल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ने आ रहे हैं और तथ्य को समझना चाहिए। अब कभी वैदिक गणित आ जाएगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मैं भी यानी यूट्यूबर की तरह होता तो मैं कहता इसका उत्तर ये है आगे बढ़ो, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, सर ये वैदिक गणित क्या था कैसे था, लेकिन आज आपने समझ लिया कि वैदिक गणित क्यों प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मेरी सीरीज चल रही थी जादुई गणित की सीरीज यूट्यूब पे, आपने वहाँ पे देखा होगा कि हम हमेशा ट्रिक का यूज करते थे, 5-5 सेकंड में एक प्रश्न को हल कर देते थे, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि आकांक्षा गणित के एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, गणित के अच्छे अध्यापक के लिए उसके पास क्या आवश्यक है? तो भैया एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है बताइए आप लोग, मुझे तो नहीं पता यार, क्योंकि मैं तो एक अच्छा अध्यापक नहीं हूं, लेकिन आप हैं। चलिए आप लोग देखते हैं कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, उसके लिए उसे क्या क्या आवश्यक है। पहले उसे आपको भी बनना होगा तो क्या क्या आवश्यक है, गणित विषय वस्तु की वास्तविक जीवन से जोड़ना। मैंने आपको पहले बताया है कि एनसीएफ क्या है, एनसीएफ 2005 कहता है कि आपको किसी भी विषय को वास्तविक दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है, माने किसी भी गणित को आपको वास्तविक दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है, किसी विषय के अगर आप अध्यापक हैं। अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए आपके पास, समझ और योग्यता होनी चाहिए, अगर ये चीजें हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए, और हाँ सभी क्लास की जो टाइमिंग होती है हमारे टेलीग्राम पे मिलती है, टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर जो अभी तक नहीं जुड़े हैं दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी होगी, वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक यूट्यूब ई लर्निंग भी दुर्गेश है, गूगल पर भी सर्च मारेंगे दुर्गेश जायसवाल तो आप मिल जाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात यक्ष से परिचित कराती है, तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं तथा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है, यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि आप कब उत्तर देने के लिए तैयार हो रहे हैं। बताइएगा आप कब तैयार हो रहे हैं, विकल्प एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो यहाँ पे क्या था कि गणित में अध्यापिका बार बार जोड़ के रूप में बताती है, समान संख्या के वस्तुओं का समूहन करती है, तो जो वस्तु का समूहन होगा यहाँ पे
वो प्रत्यक्ष होगा, क्या होगा, मूर्त रूप से, कैसा, मूर्त रूप से प्रत्यय को समझाना, कैसा मूर्त, जैसे मैं आपको वस्तु देखकर पढ़ाया, जैसे मैंने ये कह दिया एक पेन और ये एक पेन कितने हो गए, दो पेन, जब मैं पेन दिखाकर आपको पढ़ाता हूँ ये मूर्त ज्ञान हो गया, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि दो एक प्लस एक कितना होगा, तो मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया, आपने कहा सर एक और एक दो। जैसे मैं आज आपसे कहता हूँ कि पाँच और तीन कितना होगा, क्या आप इस तरह समय लेते हैं, इस तरह पाँच प्लस तीन फिर बराबर ऐसे बताते हैं आप, लेकिन आप बचपन में जब ने शुरुआत किया था आपने तो गणित को ऐसे बता दे, क्यों, क्योंकि आपने मूर्त वस्तु से ज्ञान सीखा, बाद में वस्तु हटा ली गई और आपके पास आज भी गणितीय ज्ञान शेष बचा हुआ है। लेकिन याद करिए कभी एक समय ऐसा था हम लोग ऐसे गिनते थे पाँच और तीन, फिर मिलाकर गिनते थे तब आठ होता था, लेकिन आज हम कहते हैं पाँच और तीन आठ। इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास जो वस्तु थी उसे हटा दिया गया है, हमारे और आपके पास ज्ञान शेष बचा हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियाँ प्रदान करना। देखिए मैंने कहा कि जब हम पढ़ाते हैं तो समाज से शिक्षा होती है, यहाँ पर सफल और असफल ये कोई भी कारण नहीं होगा। कक्षा को आनंदमयी बनाने के लिए तरह तरह का प्रस्तुतिकरण करना, यहाँ पर ये भी गलत हुआ। फिर विभिन्न अधिगम शैलियों से छात्रों को ध्यान रखना, ये भी नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह क्या होगा, वह होगा तीसरा। क्या होगा, तीसरा होगा। आज ही बहुत सारे लोग जब बाजार में सब्जियाँ लेने आते हैं तो उंगलियों से गणना करते हैं, उंगलियों पर गिनते हैं, तो वह वही ज्ञान है मूर्त वस्तु का। इसलिए मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर रूप में पाठ का विकास करना, वस्तु दिखा रहे हैं फिर बाद में उनके पास ज्ञान सिद्ध बन जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे थे सबके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जा रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में वाई लिखिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो यन लिखिएगा, वाई माने यस, यन माने नहीं, ताकि मैं समझ सकूं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं। हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जी आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है और अगला प्रश्न आपके सामने है, दिख रहा होगा, थैंक यू आप सभी का। एक कक्षा पाँच अ से 13 विद्यार्थी तक कक्षा पाँच बी से 15 विद्यार्थियों में एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार से कक्षा पाँच अ कक्षा पाँच ब, आंकड़े से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सभी लोग अब बताइए हम और आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न शायद थोड़ा सा बड़ा लग जाएगा, ठीक है, तो आप लोग एक बार समझ लीजिए, पहले एक बार पूरा प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा फिर हम इसके बाद समझाना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न उसका आपको क्या निकाले, औसत, औसत कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, आपको पहले इसका औसत निकालना है फिर इसका औसत निकालना है। इन दोनों के औसत निकालने के बाद हम आप ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि कौन सा कक्षा पाँच अ कि कक्षा पाँच ब किसका प्रतिशत बेहतर रहा है, माने कौन से कक्षा का जो ये औसत का हिस्सा था वो किसका बेहतर रहा। मैं आपको बता दे रहा हूँ शायद 14-6 वाले का 11.23 आएगा, मैंने निकाला नहीं है, पहले का निकला हुआ है, और ये है 9.43, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, माने ए का बी के अपेक्षा बेहतर है। तो दोनों विभाग के प्रदर्शन समान होगी, दोनों विभाग के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक का मान 18 है, तो ये देखिए गलत हो गया यहाँ पर। फिर कह रहे हैं कक्षा पाँच अ का प्रदर्शन बेहतर है क्योंकि पाँच का औसत अधिक रहा है, जी हाँ पाँच का औसत अधिक रहा है, ये सही है। दोनों विभाग का कुल समान रहा है क्योंकि दोनों विभाग का प्राप्त कुल अंक बराबर है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर औसत की बात हो रही है और ये आपके लिए बेहतर है क्योंकि यहाँ पे ये भी 146 आ रहा है, ये भी 146 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 13 लड़के हैं और यहाँ पे 15 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या भी माने रखती है और ये भी गलत है। इसलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न का सबसे जो सही आंसर है वो क्या होगा, दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपके जो तथ्य थे, जो समस्याएं थी, वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट बचा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए एक प्रश्न आपके और आगे मिलता है, शायद आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरीके से देख लेंगे। सभी लोग बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि परिकलन को मापन पढ़ाना ये गलत हो गया, यहाँ पे बीजगणित पढ़ाना ये गलत। अब ए और बी में अंतर आ रहा है, कुछ लोगों का कहना ए है, कुछ लोग का कहना बी है। देखिए प्राथमिक स्तर के अनुसार 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य पूछा है, क्या है पहला संकीर्ण उद्देश्य क्या होगा। तो पहला क्या होगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। उनके अंदर जब तक संख्यात्मक कौशल का विकास नहीं होगा तब तक हम उन्हें बीज गणित या रेखा गणित नहीं पढ़ा सकते।
याद रखिएगा, क्योंकि बिना संख्यात्मक जब को गिनती नहीं आएगा, पहाड़ा नहीं आएगा, जब तक आपको जोड़ घटाना गुणा भाग जो गणित की संक्रियाएं हैं चारों, जोड़ घटाना गुणा भाग जब तक वो समझ में नहीं आएगा, तो बीजगणित रेखा गणित कैसे बच्चों को पढ़ा जा सकता है? वो भी रैखिक बीजगणित, ये तो बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेते। दो तो पहले गलत हो गया, बचा इसका विकल्प, दूसरा इसका सही जवाब हुआ। क्लियर, आप आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह किस अवस्था में है? वह किस अवस्था में है? ध्यान से देख लीजिए, आप लोग बताइए जवाब। देखिए यहां पर क्या है, यहां पे हमने देखा संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पे देखिए, जैसे किस बच्चा में अवस्था में सभी संख्या संबंधित संख्याओं को करने में सक्षम है, उसकी व्याख्या भी, तो इसका मतलब वो कौन सी अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं तेजी से इसकी व्याख्या नहीं करूँगा कि आपका विलंब हो रहा होगा। संक्रियात्मक अवस्था क्या होगा? संक्रियात्मक अवस्था होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आकृतियों की इकाइयों से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने में कहता है। क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होगी? बहुत ही आसान प्रश्न, मैं इसे समझाऊंगा आप अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपकी व्याख्या जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं आप इस प्रश्न की व्याख्या कर देता हूं। देखिए, जैसे मैं आपसे कह दिया कोई आकृति बनाओ, जब बच्चा बचपन में कोई आकृति बनाता है, मेरी बात गौर समझिएगा, जब आप कोई भी आकृति बचपन में बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं? जैसे मैंने कह दिया कि किसी भी जानवर की आकृति बनाइए, तो जब किसी भी जानवर की आकृति बनाते हैं, जिसकी भी आकृति बनाते हैं, उसकी छवि आपके दिमाग में पूरी छप जाती है। जैसे अगर आपने हाथी बनाना है तो आपके दिमाग में क्या बन जाएगा कि हाथी कैसा होता है, कि मुझे कला बनाना काम आता है, मैप मैं अच्छा बना सकता हूँ लेकिन मैं कला नहीं बना पाऊँगा। जैसे यहाँ पे ये होगा, उसका सूंड होगा, फिर उसके यहाँ पे दो दांत निकली होगी, फिर ये उसका इस तरह से मुंडी होगा, फिर उसके बड़े बड़े पैर होंगे, ये उसकी बड़ी सी पूँछ होगी, इस पर क्या होगा, उसके दिमाग में पूरी हाथी की चित्र बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मैं गैंडा जैसा लग रहा है। आप जिस चीज़ की व्याकृति बनाएंगे, जिसकी व्याकृति सोचेंगे, जैसे मैं कह दिया अपने पापा को बनाइए, तो मुझे नहीं पता आपके पापा कैसे हैं, लेकिन आपके के पापा का जो छवि थी वो आपके दिमाग में बन गई। आपके पापा कैसे हैं, आपकी मम्मी कैसी हैं, आपके घर का दरवाजा कैसा, आप रात अंधेरे में उठते हैं और अपने वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं अंधेरे में, क्यों? क्योंकि आपको दिमाग में पूरा डायग्राम फीड है कैसे कैसे जाना है, तो आप उसी चित्र चीज का चित्र बनाते जो आपके दिमाग में होता है, जो दिमाग में उसी का चित्र बनाते, अन्य का नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें क्या होगा, रचना और सृजन का विकास होगा। क्या होगा? रचना और सृजन का विकास होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। आपके मेरा दिमाग जो है उन चीज़ों को याद करता है, उनकी छवि बना देता है। मुझे नहीं पता आपकी मम्मी कैसे दिखती है, आपके पापा कैसे दिखते हैं, आपके भाई कैसे, आपकी बहन कैसे, लेकिन आपके दिमाग में उनका तुरंत चित्र बन जाता है। वैसे बच्चा भी क्या करता है, जब पहली बार कॉपी कलम उसको मिलता है तो बेचारा करता क्या है, ऐसे गोला 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 बनाता है, प्रायचित्र बनाता है, जमीन में बैठता है, जमीन पर चित्र बनाता है, तो उसका मतलब क्या है, इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अब बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, और जय हिंद जय भारत। कोई भी समस्या हो, मैं आपको पहले बात बता दूं, आप टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सभी लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, दुर्गेश सर सर्च करके, इलेनी भी दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, सभी पे आप लोग इलेनी भी दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऑनलाइन क्लास नोट्स भी इलेनी भी दुर्गेश से ले सकते हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती हैं, 6306344367, ये ऑफिस का नंबर, इस पर जुड़े रह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।